जी सर बताइए, माशाल्लाह आपकी बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ आपने स्टोरी अपनी शेयर की, तो एक मैं देख रहा था आपने जो चीज़ें शेयर की हैं इसके अंदर आपने एल्यूमिनाई जो आपने बनाई है अपनी एक सोसाइटी इकोनॉमिक्स की, तो आप मैंने देखा है कि आप चीज़ें भी देखी हैं, आपसे सुना भी है कि आप उसका एक लंच का इनेकाज भी करते हैं हर साल, तो इसका बताइए सर बड़ा एक अच्छा अमल है ये आपका, आप हर साल जो है वो एक लंच के ज़रिए तमाम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को इकट्ठा करते हैं, तो ये सर शौक कहाँ से पैदा हुआ, क्या मोटिवेशन है इसके पीछे, क्या इसके मामलात हैं सर, लोगों को बताइए ना, तो ये एक बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है आपका इकोनॉमिक्स की सोसाइटी। ये काम भी आज के मसरूफ तरीन औकात में वक्त निकाल कर करना बहुत मुश्किल है, जैसे किसी के पास टाइम नहीं है, दोस्तों को फैमिली को भी एक दूसरे को मिलने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में भी मेरी कोशिश होती थी कि गेट टू गैदरिंग आपस में ज़्यादा से ज़्यादा रखी जाएँ, एक दूसरे के मसले सुने जाएँ, हल किए जाएँ। जी उस वक्त हमारे ज़माने में तो टेलीफोन भी नहीं होते थे PTCL के, किस्मत वाले घरों में टेलीफोन होते थे, आज तो मोबाइल का दौर है, बच्चे बच्चे के पास मोबाइल मौजूद है, और काम वाले बल्कि मुशरफ साहब ने तो कहा था पाकिस्तान इतनी तरक्की कर गया है कि काम करने वालों की पास भी मोबाइल है, तो हमारे वक्त में वो सहूलतें नहीं होती थी। हाँ जी, हाँ जी। तो किसी को मैसेज भी देना होता था एमरजेंसी मैसेज तार के जरिए ही होता था, अल्लाह ताला माफ करे वो भी किसी डेथ के हवाले से ही होता था। तो जी कोई 10-12 साल पहले मेरे जहन में आया कि हम पुराने दोस्तों को कैसे इकट्ठा करें, मैं जो भी दोस्त मिलते थे उनके नंबर लेता रहता था मोबाइल पे, इकट्ठे करते रहता था, लेकिन मैं डिपार्टमेंट एक दिन गया, हमारे जो स्टूडेंट एडवाइज़र थे उस टाइम डॉक्टर हफीज साहब, आजकल वो UMT में है, तो उस टाइम वो चेयरमैन हुआ करते थे डिपार्टमेंट में, उन्होंने कहा यार सलीम तुमने 2 साल डिपार्टमेंट में इतने फंक्शन करवाए, इतनी डिपार्टमेंट को कवरेज दिलवाई मीडिया में भी, आज भी कोशिश करो यार किसी तरह अलुमनाई के लोगों को इकट्ठा करने की। मैं कहा सर अब टाइम नहीं होता, कौन टाइम निकाले इतना, फिर आपका ब्यूरोक्रेसी काम होता है यूनिवर्सिटियों में, कौन आप आके रोज उन बच्चों को लेटर लिखे, आपने तो वो हेल्प नहीं कर सकेंगे जो मुझे करनी पड़ेगी। मैं आज उनका बहुत मशकूर हूँ, आज वो UMT में होते हुए उलमनाई के वाले से हर वक्त मेरी रहनमाई भी करते हैं और हमारा साथ भी देते हैं। लेकिन उस टाइम मेरे जहन में आके कहा यार बिजनेस को टाइम पूरा नहीं दिया जाता, इन्हें टाइम कौन दे, लेकिन अंदर से एक बेचैनी होती थी यार उन पुराने लोगों को कभी मिल सकेंगे, एक अच्छे मकसद के लिए जोड़ना, और वो उन लोगों को मिल सकेंगे जिनके साथ हमारा हॉस्टल में 24 घंटे गुजरते थे, जिनके साथ हमारे प्यार मोहब्बत का एक तल्लक होता था, हम इकट्ठे टूर करते थे, खुशी गमी में शामिल होते थे, भाइयों से ज्यादा हमारा एक तल्लक होता था। आस्ते आस्ते मैंने मोबाइल नंबर ढूंढने शुरू किए, अपने साथ सीनियर के भी ढूंढने शुरू किए, जब पहला फंक्शन आया अलुमनाई का वो मैंने ज़ियाफ़त में किया तो 25 के करीब करीब स्टूडेंट थे आज से 6 साल पहले, उसके बाद हमने कोशिश की दूसरा प्रोग्राम साल बाद करने की, वहाँ हमने हमारे पास कोई विलेज में किया कोई 40-45 के करीब थे, फिर अल्लाह ने और हिम्मत दी, फिर हमने और कोशिश करनी शुरू की, हमारे सुपर सीनियर सीनियर जूनियर सुपर जूनियर हम लोग मिल के जब एक और फंक्शन करवाया तो 70 के करीब पंजाब यूनिवर्सिटी में एग्जीक्यूटिव क्लब में हम लोगों ने इकट्ठा किया, इनमें बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं ओवरसीयर दोस्त खासकर ओवरसीज जो कनाडा अमेरिका से आने की स्टूडेंट्स रहे हैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के, और सारे वो कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह सबका जेल के IG जेल खाना याद मिर्जा शाह सलीम बेग साहब हमारे क्लास फेलो थे, सीनियर थे वहाँ से 1 साल, अभी काजी असलम साहब हैं वो DIG हैं जहाँ पे लाहौर जेल खाना याद में, सईद गोंदल साहब हैं सरगोधा में वो भी DIG हैं जेल खाना याद में, हमारे सुपर जूनियर थे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के डीन हैं, ख़वातीन यूनिवर्सिटी के डीन हैं डॉक्टर अफजल साहब हमारे जूनियर थे, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एडवाइज़र हैं हमारे क्लास फेलो मियाँ सहेल साहब, डॉक्टर सुलेमान रिजवी साहब हैं, सर बेशुमार बेशुमार हैं लोग और एजुकेशन में तो बेशुमार हैं, इसके साथ साथ और मुख्तलिफ शोबों में हमारे सुपर सीनियर रजा इशफाक साहब हैं, चीफ हैं FBR के हमारे सीनियर हैं शाह चीमा साहब, शाह जिया चीमा साहब इस्लामाबाद होते हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में है, हमारे क्लास फेलो रिजवान सही साहब हैं, अम्बेसडर हैं OIC के
आजकल वो इस्लामाबाद में आए हुए हैं। इस तरह हमारे मुख्तलिफ जूनियर लोग पुलिस में, हमारे एक जूनियर SSP है पुलिस में, इस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में, एजुकेशन में तो भी ताशे हैं। सब लोगों को जो इंतजार होता है अलमनाई लंच का कि कब कट्टे हों। जब हमने चौथा अलमनाई लंच किया तो हमें स्पोर्ट्स क्लब EME में किया, वहाँ तकरीबन 125 के करीब लोग थे। अब अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं, अंदाज़ा है कोई 150 के करीब करीब लोग होंगे, बल्कि शायद इससे ज़्यादा हो जाएं, क्योंकि लोग बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ लंच करना ही नहीं होता, हम चाहते हैं डिपार्टमेंट के लिए कुछ कर सकें। एक अच्छा मकसद है, मकसद है कि लोग जो डिपार्टमेंट जुड़कर, जो जितने ओहदों पे मौजूद हैं अलुमनाई इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, वो जुड़कर डिपार्टमेंट की बेहतरी फलाह के लिए, जी डिपार्टमेंट की फलाह बहबूद के लिए हम कुछ कर सकें, उन स्टूडेंट्स के लिए काम कर सकें जो उधर पढ़ते हैं, जो जिनके पास इतने वसाइल नहीं है, वो उनके साथ कनेक्ट हो के उनसे रहनुमाई ले सकें और उस सारे अपने जो अपने कैरियर को एक बेहतर तरीके से डायरेक्शन में लेके आ सके। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के हम पे बेताशा आसान आते हैं। आज हम जिस मकाम पे हैं इसी डिपार्टमेंट की वजह से, हम चाहते हैं हमसे जो हो सके इस डिपार्टमेंट के लिए कट जाएं। इस तरह हमारी कोशिश होती है उस लंच में हम जितने हमारे सबका टीचर हैं उन्हें हम लाजमी इकट्ठा करते हैं, साथ मिला लेके आते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से, वो हमारे अजीम जो असाज़दा हैं उन्हीं की वजह से आज हम इस मकाम पे हैं। उन्होंने दिन रात लगा के हम पे मेहनत की और उनका प्यार मोहब्बत ही था कि आज हम उसकी उनकी मकाम पे हैं। हम उनका किसी भी हालत में ये आसान नहीं उतार सकते और उनके लिए हमारे दिल से बेताशा दुआएं निकलती हैं। मैं आपका इस हवाले से भी मशहूर हूँ, इंशाल्लाह ताला आपको भी दावत दूंगा। इंशाल्लाह सर, जरूर जरूर सर। असल मकसद हमारा यही होता है अलमनाई में कि दोस्तों को इकट्ठा भी किया जाए और नए जूनियर लोगों से और सीनियर का आपस में एक रिश्ता होता है, क्योंकि हम एक फैमिली है और अलमनाई एक फैमिली है। बिल्कुल सर। ताकि हम एक दूसरे के दुख दर्द में भी शरीक हों और एक दूसरे के काम भी कर सकें और डिपार्टमेंट के लिए भी कुछ कार गुजरें।